बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, हम सबको यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू नीचे आ रही है, जिसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स में एक बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं, ओल्ड यहाँ पे एक बहुत अच्छा ओल्ड सीजन देख सकते हैं, जहां पे सारे ओल्ड कॉइन्स बहुत ही ज्यादा 1x 2x 10x तक यहाँ पे पंप करेंगे। दोस्तों सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में टेक्निकली डिस्कस करने वाले, बहुत ज्यादा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा अपने पास एक नोट पैड, बॉल पेन, पेंसिल, पेन आपके पास जो भी है वो यहाँ पे रखो, नोट डाउन करो। मैं जो चीजें बताता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे अपने फ्यूचर ट्रेडिंग एनालिसिस में यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करो, जिससे यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। दोस्तों मैं यहां पे हर रोज आपसे जो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, अगर आपको पसंद आती है वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, जिससे यहां पे मेरा मोटिवेशन ऐसे का ऐसा बना रहे। साथ साथ में नए हो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मैं जो प्रोवाइड करता हूं वो आप यहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बनाना चाहते हो तो ये इंफॉर्मेशन आप यहां पे मिस नहीं करना चाहोगे। साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करता हूं आपको तुरंत ही मिल जाए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम कर पाओ, अपने एनालिसिस में इंप्लीमेंट कर पाओ और एक यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिए। हे गाइस, आई एम केयूर, यू आर वाचिंग क्रिप्टो किंग यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आप मेरा जो स्क्रीन है क्लियरली देख पा रहे हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको क्विकली दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ, साथ साथ मैं पहले बता देना चाहता हूँ आप हमारे यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्रिप्टो किंग के यूर टेलीग्राम चैनल है, डेफिनेटली वहां पे भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी शेयर कर दिए, तो आपको यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम पे। उसके बाद यहाँ पे वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट टेलीग्राम चैनल में जो हम यहाँ पे अपडेट करते हैं आपको क्विकली मिल जाता है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में ये लिंक मिल जाएगी, डेफिनेटली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ मैं यहां पे आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा देता हूं। बिटकॉइन के चार्ट में हमें दो चीजें देखने मिल रही है, एक है राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है मैं आपको यहां पे क्विकली दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा क्विकली ये वीडियो करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो, देखिए बिटकॉइन का प्राइस इस चैनल में मूव कर रहा है, आप यहां पे देख सकते हो। और जो ऐसी चैनल होती है, मतलब आप यहां पे मुझे देख पा रहे हो, मेरे हाथ आप देख पा रहे हो, जब बिटकॉइन का प्राइस यहां पे एक वाइडर रेंज से एक स्मॉलर रेंज में जाता है क्या होता है, देखिए यहां पे रेंज कितनी थी, बहुत ज्यादा वाइड थी, यहां पे रेंज देखिए कम होती जाती है, मतलब एक ट्रायंगल शेप आपको देखने मिलता है, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। और यूजुअली जो 70% राइजिंग वेज, मतलब आप 100 में से 70 राइजिंग वेज पैटर्न होती है वो यहां पे बेरिश पैटर्न होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमें यहां पे एक राइजिंग वेज आपको पैटर्न देखने मिलती है, उसके बाद यहां से छोटा सा एक डंप देखने मिल सकता है, छोटा डंप बड़ा डंप हो सकता है, बट यहां पे करंटली जो बिटकॉइन का सिनेरियो है हमें एक छोटा सा डंप देखने मिल सकता है। क्यों होगा ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी, व्हाट इज राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग पैटर्न जब भी आपको देखने मिले 70% ऑफ द टाइम, 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स यहां पे आपको एक डंप देखने मिलेगा। वो डंप एक बड़ा डंप हो सकता है, वो डंप एक पुलबैक हो सकता है, बट इन करंट सिचुएशन वो एक छोटा सा यहां पे डंप होगा, छोटा सा पुलबैक होगा, राइट। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पे मैं आपको दूसरी एक चीज दिखाना चाहता हूं। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, यहां पे आपको एक एसेंडिंग ट्रायंगल, इस लाइंस को मैं हटा देता हूं जिससे आपको समझने में इजी हो, तो आपको यहां पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है। एसेंडिंग ट्रायंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंडिंग ट्रायंगल, यहां पे आप देख सकते हो, देखिए बिटकॉइन का प्राइस यहां पे इस हिसाब से मूव कर रहा है, यहां पे बिटकॉइन का प्राइस अगर मार्क करके देखो, यहां पे बिटकॉइन का प्राइस इस हिसाब से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, देखिए बिटकॉइन का प्राइस इस पॉइंट पे आप एग्जैक्टली अगर यहां पे देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप इस पॉइंट पे देखो क्या हुआ था, बिटकॉइन ने यहां पे एक फेक आउट किया, ऊपर गया, साइडवेज थोड़ा सा मूव किया, वापस नीचे आ गया। ये कब होता है, जब यहां पे वॉल्यूम बहुत कम होता है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे कितना ज्यादा वॉल्यूम कम था, और जब यहां पे वॉल्यूम कम होता है जो व्हील्स होती है, व्हील्स का मतलब क्या है, जिनके पास 1000 टू 5000 बिटकॉइंस है वो यहां पे मार्केट को हिला सकते हैं, वही मार्केट को हिलाने ये वाली चीज देखिए यहां पे वही हुआ। व्हील्स ने क्या किया, पंप करवाया, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट थोड़ा सा पंप करवाया होगा, लोगों ने फिर बाय किया होगा, थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट किया, और फिर व्हील्स ने यहां पे डंप करवा दिया। व्हील्स अपना इसी हिसाब से प्रॉफिट कर लेती है। तो दोस्तों हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब यहां पे क्या होगा, देखिए हमें बिटकॉइन का प्राइस यहां पे बहुत ज्यादा ऊपर देखने मिला है, बट हमने जैसे आपको बात की एक राइजिंग वेज पैटर्न दिख रही है, जिससे हमें यहां पे एक छोटा सा डंप देखने मिल सकता है, बट वो कैसे होगा। यहां पे मैंने आपको दो चीजें सुबह वाले वीडियो में, आप डेफिनेटली मेरा सुबह वाला वीडियो देखिए, यहां पे डॉज कॉइन, मैटिक, वजीरेक्स, सारे वीडियोस में हमने एक चीज डिस्कस की। एक्चुअली दो चीज है, एक है 200 डे मूविंग एवरेज, दूसरा है 51 वीक मूविंग एवरेज। तो यहां पे मैं आपको 200 डे भी हम यहां पे ले लेते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहां पे आप दो लाइंस देख पा रहे हो, राइट, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए
मैं इस सारे ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप दो लाइंस क्लियरली देख सकते हो, एक यहाँ पे है ब्लू लाइन, दूसरी है रेड लाइन। देखिए ये वाली ब्लू लाइन, ये वाली रेड लाइन। जो ब्लू लाइन है दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज, जो यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हो दिस 21 वीक मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे ये जो दो लाइन्स है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पहले जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर आने की ट्राई कर रहा था, ये इसी दो लाइन ने यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिया था। बट अब जब यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस ये दो लाइन से ऊपर आ चुका है, यहाँ पे दिस टू लाइंस जो है 200 डे मूविंग एवरेज एंड 51 वीक मूविंग एवरेज हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहां पे क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे दोनों वैल्यूज भी दिखा देता हूं जिससे आपको यहां पे समझने में इजी हो। तो दिस वैल्यू जो आप 200 डे मूविंग एवरेज देख रहे हो उसकी वैल्यू है 45,500, और यहां पे आप 21 वीक मूविंग एवरेज देख रहे हो उसकी वैल्यू है 43,600। तो ये जो दो वैल्यूज है, मतलब 45,500, ये चेंज होती रहती है, बट अप्रोक्स आप समझ सकते हो 45,500। एंड अगर यहां पे ब्रेक करते हैं, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां से नीचे आता है, यहां पे उसको सपोर्ट मिलेगा, यहां से ये वापस बाउंस बैक करेगा। अगर ये वाला जो 45,500 वाला सपोर्ट है वो यहां पे ब्रेक होता है, क्या होगा, यहां से वापस नीचे आएगा, वो 43,600 वाला जो सपोर्ट है 21 वीक मूविंग एवरेज, दिस विल एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहां से बिटकॉइन का प्राइस अभी नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो यहां पे एक छोटा सा पुल बैक आता है। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, क्यों, बिकॉज आप यहां पे देखिए, ये मैंने यहां पे चार्ट लिया, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब क्या है, डर और लालच। दोस्तों जब लोग बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, उनका डर यहां पे खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, देखिए यहां पे 72 नाउ ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड है, लोग बहुत ज्यादा लालची हो चुके, लोग में ग्रीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता होगा लालच बुरी बला है, जब लोग यहां पे लालच करते हैं क्या होता है, यहां पे एक डंप आता है, छोटा सा डंप हो चाहे, बट यहां पे उसके बाद लोगों में डर बढ़ जाता है, डर बढ़ जाता है, उसके बाद वेल्स यहां पे बाय करती है। हमें वेल्स के साथ चलना है, हमें जब छोटा सा डंप आए उसी टाइम पे बाय करना है। यही चीजें मैं आपको यहां पे बताता हूं, दैट विल बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब सब लोग डरते हैं तब आप ग्रीडी बनो, जब सब लोग ग्रीडी होते हैं तब आप डरो, यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, जो मैं आपको यहां पे सिखाना चाहता हूं। अगर आप ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, अगर ये चीज सीख जाओ, डेफिनेटली यहां पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। अभी करंटली आप यहां पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख रहे हो 72, लोग बहुत ज्यादा लालची है, उनका डर बिल्कुल भी नहीं है। उसी टाइम, वही टाइम होता है हमें बहुत ज्यादा डरना होता है, जब लोग डर रहे होते हैं, आपको डरना नहीं है, आपको लालची बनना है, यही चीज है। यहां पे देखिए ये चीज यहां पे सिग्निफाई करती है, साथ में हमने यहां पे एक राइजिंग वेज पैटर्न देखा, आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे एक और चार्ट दिखा देना चाहता हूं, जो है बीटीसी लॉन्ग्स का चार्ट। बीटीसी लॉन्ग्स का चार्ट क्या सजेस्ट करता है, यहां पे आप देख सकते हो बीटीसी लॉन्ग्स की पोजीशन नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है, लोग यहां पे लॉन्ग क्लोज कर रहे हैं। लॉन्ग क्लोज करना मतलब क्या है, आपने अगर बिटकॉइन को नीचे के प्राइस में लिया है, मतलब यहां पे आपने अगर बिटकॉइन को लिया है जो अराउंड 30,000 वाला एरिया था, तो आप क्या करोगे, जब यहां पे बिटकॉइन 40,000 आता है, आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लॉन्ग किया है आपने 2x 5x, तो क्या करोगे, सेल करोगे या नहीं करोगे। तो यही चीज है, यहां पे लोग यहां पे बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं। यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, जिसकी वैल्यू मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर बिटकॉइन की लॉन्ग पोजीशन है, यहां से थोड़ा सा ये नीचे जा सकता है, देखिए यहां तक आ सकता है। बिटकॉइन की वैल्यू, लॉन्ग वैल्यूज यहां तक आती है, क्या होगा, यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में एक थोड़ा सा डंप देखने मिलेगा, और वही डंप हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों, बिकॉज यहां पे उसका जो सपोर्ट है, यहां से जब बिटकॉइन के लॉन्ग्स वापस ओपन होने लगेंगे, बिटकॉइन के लॉन्ग्स ओपन होने का मतलब क्या है, लोग बिटकॉइन बाय करने लगेंगे, वो भी लेवरेज के साथ, यहां पे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, और वही बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने से हमारा यहां पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यही चीज आप समझो, छोटा सा पुल बैक अगर आता है, डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको यहां पे पहले से बोला है, राइजिंग वेज पैटर्न है, लोग बहुत ज्यादा लालची है, तो यही चीजें यहां पे मैटर करती है, राइट। एक चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं यहां पे एक बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट दिखा देना चाहता हूं। ये बिटकॉइन का चार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस। अब आपको पता होगा, जब बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर होता है, मतलब बिटकॉइन का पावर जब ज्यादा होता है, तब सारे ओल्ड कॉइन की वैल्यू नीचे रहती है। जब बिटकॉइन डोमिनेंस कम होता है, बिटकॉइन का पावर कम होता है, इसका मतलब क्या है, ओल्ड कॉइन्स में हमें एक ओल्ड सीजन देखने मिलता है, ओल्ड कॉइन में एक बहुत बड़ी रैली देखने मिलती है। तो यही चीज है, देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस भी यहां पे एक राइजिंग वेज पैटर्न में मूव कर रहा था। मैंने आपको बोला था व्हाट इज अ राइजिंग वेज पैटर्न, इस हिसाब की जो पैटर्न देखने मिलती है उसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। और मैंने आपको आगे ये भी बोला कि 70% ऑफ द टाइम्स यहां पे राइजिंग वेज पैटर्न जो होती है वो यहां पे नीचे ब्रेक डाउन करती है, और हमने यहां पे देखा बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू यहां पे नीचे ब्रेक डाउन की है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू नीचे ब्रेक डाउन करती है, जब बिटकॉइन डोमिनेंस की वैल्यू और नीचे जाएगी,
यहाँ पे आपको ओल्ड कॉइन में एक बहुत बड़ी रैली देखने मिलेगी, एक अच्छी खासी ओल्ड सीजन यहाँ पे देखने मिलेगी। आपने यहाँ पे एक और चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ये चार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बिटकॉइन का चार्ट समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए बिटकॉइन चार्ट अंडरस्टूड। अगर यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अंडरस्टूड। यहाँ पे लॉन्ग्स का चार्ट समझ में आया वो लिख के बताइए। यहाँ पे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस समझ में आता है वो भी लिख के बताइए, जिससे मैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मुझे यहाँ पे समझने में इजी हो कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है, आपको समझ में आता है या नहीं, कुछ मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो से वो सारी चीजें इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप कमेंट में लिखते हो, कुछ अच्छा लगता है वो भी आप लिखते हो, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी होती है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक चार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड सीजन कब आता है, देखिए पहले बिटकॉइन पंप होता है, उसके बाद इथेरियम पंप होता है, उसके बाद जो मेजर लार्ज कैप कॉइन्स है उसका मतलब आप कार्डानो ले लो और बाकी सारे कॉइन्स है जैसे मैटिक है, डॉट है, सोलाना है, ये सारे अभी यहाँ पे काफी ज्यादा पंप हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज आपने देखी। उसके बाद यहाँ पे ओल्ड सीजन चालू होता है। ओल्ड सीजन में क्या होता है, सारे ये जो लार्ज कैप कॉइन्स है वो तो पंप होते हैं, वो जो शिट कॉइन्स है वो भी पंप होने लगते हैं। और दोस्तों वही चीज का, वही सीजन का हमें इंतजार है, कब यहाँ पे ओल्ड सीजन आए हम बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाए। दोस्तों उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, हमारी चैनल पे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छी लगती है वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए। हम यहाँ पे देखिए क्रिप्टो किंग के यहाँ पे डॉज कॉइन के बारे में, मैटिक के बारे में, वजीरेक्स के बारे में, मैं यहाँ पे आपको एग्जिट बाइंग पॉइंट्स बता दूँ, कब सेल करना है सारी चीजें बता दूँ, कैसे आप खुद से एनालाइज कर सकते हो ये सारी चीजें यहाँ पे बता दूँ। डेफिनेटली ये तीनों वीडियो देखो, यहाँ पे सीखो, चीजों को सीखो। अगर आप चीजों को सीखते हो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट, बिकॉज लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, कीप लर्निंग। एक बार सीखो यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए आपकी अर्निंग हो जाएगी। तो यही चीज है, आप यहाँ पे सीखने पर ज्यादा फोकस करो, बाकी अर्निंग अगर सीखते हो डेफिनेटली यहाँ पे अर्निंग तो फिर अलग बात है, अर्निंग तो डेफिनेटली होगी, लेकिन पहली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ ऑलवेज बी अ लर्नर। अगर सीखते हो आपको जो करना है लाइफ में कर सकते हो। तो यही चीज है, यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो किंग के डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे डालता रहता हूँ। डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना ट्विटर अकाउंट केयूर रोहित। यहाँ पे देखिए डॉज कॉइन के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स आती है यहाँ पे शेयर करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट ट्विटर पर शेयर करता हूँ। डेफिनेटली ट्विटर को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम क्रिप्टो किंग केयूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते। देखिए काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, सर आपने बोला था यहाँ पे हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी भाई ने यहाँ पे 119% 119% का प्रॉफिट किया, किससे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके। दोस्तों ये सारी चीजें सीखो, यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे, राइट। ट्विटर को फॉलो करो, इंस्टाग्राम में क्रिप्टो किंग केयूर, वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी क्वेश्चन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बता सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों यही चीज मुझे मोटिवेट करती है, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्राइब्स, यही चीज मुझे मोटिवेट करती है हर रोज यहाँ पे आपके सामने आके यहाँ पे आपसे इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करने में। दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।